देखिए, तहज्जुद की नमाज़, ईशा की नमाज़ का वक्त अलग है, और तहज्जुद की नमाज़ का वक्त तो आखिरी पहर है, इन चौथा पहर जिसको हम कहते हैं, उसके बाद में सीधी फजर की वो होती है नमाज। जैसे मान लो 5 बजे फजर का है, तो उससे तकरीबन 1.5 घंटे पहले तक तहज्जुद का वक्त होता है, तो उसको मतलब 5 बजे है, तो फिर उससे पहले हम उसको 4 बजे, 4:15 बजे के लगभग उसके वक्त रहता है, वहाँ तक उसको पढ़े। लेट भी हो जाए तो वहाँ तक भी उसको पढ़ सकते हैं, यानी उससे पहले पहले वो वक्त शुरू ना हो तो वहाँ तक उसको पढ़ना चाहिए। तो उसका ईशा से लेना देना नहीं है, ईशा अलग नमाज है, वो अलग नमाज। वो नींद का जहाँ तक ताल्लुक है, क्या नींद निकालना ज़रूरी है? तो नींद निकालना ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल का तरीका यह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद में सो जाया करते थे, उसके बाद में उठकर पढ़ते थे। लेकिन कई ताबेई और सहाबा के ताल्लुक से आता, वो अब सोते ही नहीं थे, इबादत ही करते रहते थे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी को नींद ही नहीं आ रही है बीमारी की वजह से, किसी वजह से, या दिन में जो है ज़्यादा सो गया, अब नींद नहीं आ रही रात को किसी, या बीमारी जो भी वजह हो उसकी कि नींद नहीं आ रही, तो अब क्या करें? वो ज़बरदस्ती नींद कहाँ से लाए? वो तो तहज्जुद छोड़ दे। वो तो ऐसा नहीं है, वो एक वक्त हो गया तहज्जुद का, कि वक्त पहुँच गया तो उसमें उसको जाकर उसको पढ़ लेना है उससे उसका। या कभी मान लो सफ़र से आया हो, रात को 3-4 बजे आया, और आया है वो आके, और अगर वहाँ उसकी ईशा भी बाकी हो, सफ़र के अंदर नहीं पढ़ी हो, तो वहाँ तक भी उसको पढ़ सकता है। या फिर वो आया ही है और वहाँ पर सोचे कि यार अब मैं सोने से पहले नमाज ही पढ़ लूँ, तो उसके अंदर फिर वो पढ़ रहा था, उसको कहा वो सो गया, वो पहली सफ़र से थका हुआ, तब तो उठ गया ही नहीं फिर वो, तो फिर वो पढ़ सकता है। तो सोना इसके लिए फ़र्ज नहीं है। हाँ, सोना ये सुन्नत का तरीका है कि अगर सो के उठ जाए फिर पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि अफजल होता है कि अल्लाह, क्योंकि नींद एक बार किसी को आ जाती है ना, फिर वो नींद को तोड़कर वजू बनाए, पानी से जाए और अपना मुँह हाथ धोए, उसके बाद फिर आकर खड़ा हो अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उसको ज़्यादा पसंद करता है कि खालिस बंदा मेरे लिए उठा, अपनी नींद को छोड़ा। लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी, मीठी नींद आदमी तरसता हो, ये तहज्जुद का वक्त तो मीठी नींद का वक्त है, सुबह का वक्त है। तो इसके लिए सोना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये सुन्नत तरीका है कि अगर सोकर उठ के करें तो ज़्यादा अफजलियत है, और नहीं अगर किसी वजह से नहीं सो रहा है तो फिर वो जैसा वक्त आए उसका तो उसको पढ़ सकता है इंशाअल्लाह। नहीं, जब नहीं होता उसका वक्त ही, उसका आखिरी वक्त है, आखिरी पहर जो होता है फजर से पहले पहले 1-1.5 घंटा पहले वो उसका वक्त होता है असल वक्त। या फिर जब उसके 12 बजे अब पढ़ रहे हैं आप, तो वो फिर ईशा की नमाज ही पढ़ रहे हैं आप, तो अभी तो वो उसमें वो नहीं होगा, वो तो बहुत ज़्यादा आप लेट हो जाए उस पहर तक पहुँच जाए तो बात अलग है, तो फिर वहाँ पर होगा। हाँ, बाकी या फिर आप जैसे मैंने बताया कि अगर सफ़र में ईशा रह गई है आपकी, नहीं पढ़ पाए कुछ किसी वजूहत से, तो फिर आप वहाँ पढ़ रहे हैं कि रात को 3-4 बज गई, तो फिर आप ईशा भी पढ़ लें, उसके बाद तहज्जुद भी पढ़ लें, वो एक मसला अलग है, वो इनफरादी मसला। लेकिन बाकी है कि अगर आपको 11-12 बज गई तो आप वहाँ ईशा पढ़ेंगे, ईशा पढ़ने के बाद में फिर आप जो है रात को भी सो जाएँ, फिर उठ कर पढ़ें, या फिर नींद नहीं आ रही तो तब वक्त हो जाए तब पढ़ें।